मतलब टीवी में मैं हूँ आपके साथ अंकिता। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बोध गया के महामाया होटल के पास अंकिता ब्यूटी पार्लर का हुआ शुभारंभ। ज्ञानस्थली बोध गया में बकरौर के महामाया होटल के समीप अंकिता ब्यूटी पार्लर का हुआ शुभारंभ। ब्यूटी पार्लर के प्रोप्राइटर सुनीता दास ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि यहां प्रशिक्षण के साथ साथ ब्यूटी पार्लर से संबंधित सारे कार्य किए जाते हैं। यहां एक बेहतर प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध है, यह एक स्वरोजगार के अवसर भी मिलेंगे। यहां आपको बताया जाएगा कि ब्यूटी पार्लर से जुड़े प्रोडक्ट में कौन कौन से आते हैं और उनका क्या उपयोग है। विभिन्न प्रकार की क्रीमें, पाउडर, आईब्रो लाइनर, ब्लीच, वैक्स पेस्ट, स्टीमर, कर्ली ग्रॉड, ड्रायर, धागा, कैंचियां, कंघे, दीवारों के लिए शीशे, कुर्सियां, फेशियल बेड, फेशियल ट्रॉली, हॉट एंड कोल्ड कैल्विनिक आदि की जरूरत होती है। से बजट भी अधिक चाहिए। ब्यूटिशियन के कोर्स में सबसे पहले स्किन की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, आईब्रो बनाना, मेडिकेयर पेडिकेयर जैसे आवश्यक और छोटे छोटे कामों को सिखाया जाता है, ताकि आप शुरुआत से होकर धीरे धीरे एडवांस लेवल तक पहुंचे। हेयर स्टाइलिस्ट, वेडिंग स्टाइलिस्ट, ब्यूटिशियन, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट, नेल टेक्नीशियन, फेशियल्स, बॉडी मसाज भी दिया जाएगा लोगों को और हेयर ट्रीटमेंट भी होगा और सारे जो भी होते हैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हम लोग यूज़ करते हैं ताकि स्किन को कोई भी हानि ना हो। एक बार विजिट करके देखिए आप लोग कैसा लगता है हम लोग का सर्विस। और हम लोग मैं अपने एज की लड़कियों को ये करना चाहूँगी कि साइड कोर्स हम लोग को करना चाहिए आगे फ्यूचर के लिए। पढ़ाई के साथ साथ हम लोग को कुछ अलग टैलेंट होना चाहिए ताकि हम लोग अपना रोजगार कर सके आगे, कुछ हुआ नहीं हुआ जो भी हो इसके लिए। पार्लर अच्छा हो, पार्लर में बहुत कमाई है अगर देखा जाए तो। परिचय, मैं सिमरन दास, ऑनर की बेटी हूँ मैं। से रिलेटेड यहाँ पर ज़्यादातर जो गांव के एरिया है गांव के हिसाब से ज़्यादातर दिया जाएगा। यहाँ पर पार्लर के साथ साथ मैं ट्रेनिंग भी दूंगी बच्चों लोग को सिखाने के हिसाब से। मैं यहाँ पर एक करीब कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये गांव एरिया है उस हिसाब से यहाँ पर हेयर कट और फेशियल का ये सब, फेशियल का, स्किन ट्रीटमेंट, हेयर ट्रीटमेंट और ब्राइडल का, और ज़्यादातर मेरा पार्लर का भी जो भी है मेरा बिजनेस का भी उसमें रहेगा। हेयर स्पा रहेगा, स्मूथनिंग रहेगा और स्ट्रेटनिंग रहेगा, मतलब पार्लर से बेसिक जो भी कोर्स है यहाँ पर सब रिलेटेड रहेगा। और ज़्यादातर बच्चे लोग को मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पर आए, ट्रेनिंग ले और सीखे। ब्यूटीशियन का कहीं आप प्रशिक्षण लिए? हाँ जी, मुंबई से ली हूँ मैं, वहाँ पर मेरा खुद का पार्लर भी था जी। और ये कितना से कितना बजे तक खुला रहेंगे? सुबह 10 से शाम को 6:30 बजे तक। मैम यहाँ देखा कि अधिकतर जो है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं जी, तो क्या इससे मैसेज है? जी सर, मेरा भी आयुर्वेदिक ही प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जितना भी रिलेटेड है। मैं ज़्यादातर रिचफिल का ही मैं प्रोडक्ट जो मुंबई में भी यूज करती थी मैं, क्योंकि इस प्रोडक्ट में आपको कुछ भी ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ज़्यादातर हम लोग पार्लर वाले जो रहते हैं लो, जो आप टीवी पर ऐसा प्रचार देखते होंगे उस टाइप का कुछ भी कॉस्मेटिक यूज नहीं करते हैं। हमारा जो कंपनी ब्रांडेड यूज बनाता है, जो भी कॉस्मेटिक का हम लोग को अप्लाई करता है देता है वो हमें यूज करते हैं हम लोग यहाँ पर। ट्रेनिंग के लिए क्या शुल्क वगैरह है या फिर? ट्रेनिंग मीन्स ट्रेनिंग के जैसे कि सिखाने के हिसाब से यहाँ पर बेसिक भी रहेगा और एडवांस भी रहेगा, दोनों रहेगा। मैं उनसे ये करूँगी कि प्लीज़ यहाँ पर आए, हमारा सर्विस देखे, अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग प्लीज़ इधर देखें। एड्रेस बता दीजिए, नाम अपना। एड्रेस मेरा सुनीता दास है, अंकिता ब्यूटी पार्लर मेरा पार्लर का नाम है, और बोध गया बकरौर मोर रोड पर है ये नियर, यहाँ पर आपको महामाया हो जाता है, वो मेन वही है, उसके बाद स्पाइस जोन रेस्टोरेंट के बगल में। नाम बता दीजिए, अंकिता ब्यूटी पार्लर। देखिए ये हमारी बहन का मतलब ब्यूटी पार्लर है, और सबसे पहले हम इसके जज्बा को माने हम तारीफ़ करना चाहेंगे। एक्चुअली ये सब दिन आपको मुंबई में रही और वहीं पे सारा काम करती थी, लेकिन इनका एक सोच था, एक ऐसा बात मैंने इन्होंने दिल में सोचा कि नहीं भाई, हमारा जो हुनर है वो हम अपने जो हमारे ग्रामीण जो बच्चियाँ हैं उसको देना चाहिए, क्योंकि आज के क्षेत्र में ब्यूटिशियन के क्षेत्र में बहुत सा जगह है। और जो आज बेरोजगारी की समस्या है
उसमें अगर कोई लड़की इसको सीखती है तो भविष्य में कभी भी धोखा नहीं खाएगी, अपने पैर पे खड़ी हो सकती है। इस जज्बा को जब इसने बताया तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं सोशल वर्कर हूँ और मैंने इसे काफ़ी प्रोत्साहित किया कि आपका काम अच्छा है, सोच अच्छा है, क्योंकि इनका ब्यूटिशियन भी यहाँ चलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चियों को सिखाया जाएगा कोर्स, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं समझता हूँ कि ये आपको बोधगया क्षेत्र में पहली बार है, एक अच्छी क्रांति है ये। तो क्या मुंबई जैसा सुविधा मिलेगी क्या? मुंबई जैसा सुविधा तो नहीं मिलेगी, बट मुंबई जैसा प्रशिक्षण तो मिलेगा। हाँ, प्रशिक्षण मिलेगा, क्योंकि इनका जितना मतलब इस क्षेत्र में आपको अनुभव है वो सारा इनका जो मतलब अनुभव है वो अपने बच्चों को देना चाहेगी, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के क्षेत्र में। जी, मेरा नाम विनोद कुमार हुआ, मैं ऐसे रहने वाला बाराचट्टी का हूँ, मैं उसमें वहाँ का सोशल वर्कर हूँ।